मंडी में सफेद सोने की खरीदी शुरू हो गई है, जिसके शुरुआती दौर में कपास का भाव 6351 रुपए बताया जा रहा है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दिखाई दी। कपास की बंपर आवक देखी जा रही है, जिसमें किसानों ने आने वाले समय में भाव को स्थिर रखने की मांग की है। वहीं व्यापारियों ने भी कपास खरीदी करके आगामी समय में अच्छे दाम मिलने की आशंका जताई है। बोरी के द्वारा जो हुआ 6351 का भाव गया। कितने वाहन होंगे सर? वाहन 350 के आसपास हम आए होंगे, और बैलगाड़ी जो है वो अलग से। हाँ, माल जब आता है तो CCI की फिर उसके टीम आती है, फिर वो खरीदी शुरू होती है, तो अभी समय लगेगा। पहले तो मैं आज इस मुहूर्त के अवसर पर सभी किसान भाइयों को और व्यापारियों को, हमारे भारत साधक महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में जहाँ तक भाव का सवाल है, कोरोना को देखते हुए तो निसंदेह इंटरनेशनल मार्केट बहुत हाई है। जो पिछले 2 सालों में जो रेट नहीं रहे वो रेट इस साल चल रहे हैं, और उम्मीद है कि जिस प्रकार 6351 के रेट खुले हैं ये रेट मेंटेन रहेंगे, और जैसे जैसे कपास के मार्शर कम होते चले जाएगा भाव और बढ़ने की उम्मीद है। और इंटरनेशनल मार्केट में इस साल रुई की शार्टेज है, रुई की शार्टेज के कारण ऐसा लगता है कि भाव बने रहेंगे। और हमारे को उम्मीद ये नहीं है कि व्यापारी लोग अच्छे भाव दे, किसान क्योंकि मर रहा है, क्योंकि कोरोना में भी खत्म हो गया, पानी प्रगति साथ नहीं दे रही है, घर के बारिश नहीं हो रही है, गर्मी जो कपास है, कपास सब खीर गए, जो पांडे भी खीर गए, सब टोटल खत्म हो गई। ये दीपावली तक कपास हमारा जो है पूरी फसल खत्म हो जाएगी, दीपावली का दिया नहीं देखेगी। सामान्यतः अनंत चौदस के आसपास होता है, और इस वर्ष जो है पानी पिछली बार 1 महीना जो है नहीं आया, और अभी पानी के मौसम लगते हैं, इसलिए सभी जीन वालों ने भाई तिरपाल शेड वगैरह सब व्यवस्थाएं तो की हैं, लेकिन फिर भी आज की आवक को देखते हुए यदि इतनी आवक रहती है तो जिनिंग फैक्ट्रियों में जो व्यवस्थाएं हैं वो कम पड़ेगी। इसलिए मैं किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि वे माल सुखाकर